बनाने दोगे तुम लोग वीडियो? और क्या हो गया ये? What is this? टपक गई नीचे। So भाई आज हम लोग निकल चुके थे जयपुर के लिए। तो भाई सैटरडे संडे हमारा होने वाला जयपुर वाला टाइम, फैमिली विद फैमिली टाइम। तो अभी हम उस टाइम पे फैमिली के साथ, आपिया नायरा जो हमारे टप्पर है, टप्पर टीम हमारी ये रही पूरी, तो ये वो चलना शुरू करेगी। बोलो हेलो, बोलो हेलो, बोलो हाय, बोलो। तो बस आपिया, मैं, आप रिद्धि, हम लोग आ गए हैं जयपुर इस टाइम पे और थोड़ा घूमेंगे यहाँ पर, अपना फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे। तो बाकी आप लोग को दिखाएंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। भाई आप यहाँ तो देख सकते हो ना, तो चलना शुरू हो चुकी है। बोलो हाय। बस इतना ही कर जाएगी। देखिए क्या हुआ अब, ये सामने लीला पैलेस है, देख रहे हो ये वाला, और क्या देख रहे हो, क्या व्यू है यहाँ से ना, एक नंबर व्यू है। थोड़ा फ्रीडम हुआ है ना। तो भाई अभी स्टार्ट करेंगे अपना फैमिली ब्लॉग। हमने ट्रेवल तो कर लिया था, सुबह निकल चुके थे हम लोग, 9:30 बजे निकल गए थे और 1:30 बजे, एग्जैक्ट 1:30 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए। एग्जैक्टली जयपुर के अंदर नहीं है हम लोग, ये जो लोकेशन है आपका कूकस पड़ता है, डबल ट्री बाय हिल्टन होटल है जो होटल है, और कूकस के अंदर आता था। क्योंकि कूकस हमने इसलिए क्योंकि इसके आसपास हाथी गाँव है और काफ़ी सारी जगह है जो विजिट करने के लिए है। अब क्या है कि जयपुर के बाहर बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं विजिट करने के लिए, तो वहाँ पर हम अभी उन्होंने नज़दीकी वाला एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया ताकि हम यहाँ पर घूम सकें। क्या हो गया, मुझे कुछ बनाने दोगे तुम लोग वीडियो? तो बस अभी देखेंगे कल क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं या आज क्या एक्सप्लोर करेंगे। तो ये था आज का पहला दिन हमारा, और बाकी ट्रेवल का कोई वीडियो मैंने बनाया नहीं, गाड़ी से आ रहे थे भाई। रिद्धि वैसे ही सो गई थी क्योंकि उसका नाइट शिफ्ट हुआ था, तो आज सुबह सुबह यानी 3-4 बजे तक आई थी, तो गाड़ी में सोते हुए, तो मैंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं। बाकी जाने के टाइम में बनाएंगे और कुछ ड्रोन शॉट्स भी लेंगे यहाँ का और आपको दिखाएंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ बताइएगा कि भैया आपको जयपुर कैसा लगता है, और जितने भी जयपुर से जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे भाई दोस्त, वो प्लीज़ बताइए कि कूकस कैसी जगह है और यहाँ पर आने वाले टाइम में क्या क्या एक्सप्लोर करने की चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और एक्सप्लोर की जाएगी आगे और आने वाले टाइम पे। ये क्या है भाई, जयपुर अब हो चुका है पूरा कमर्शियलाइज, और अंदर तो कुछ यार बाकी कुछ रहा ही नहीं है। तो आसपास वाली जगह हाथी गाँव हो गया, एलिफेंट पे बैठना है ना आप भैया, हैं तो हम लोग जाएंगे हाथी गाँव। इस बात मतलब बैठेंगे, जितना भी हो कुछ भी हो लेकिन हाथी पर जरूर बैठेंगे, है ना, है ना, एलिफेंट में बैठोगे ना। तो बस अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बाकी रूम टूर करा देता हूँ भाई, ये आपका रूम है ना, और नायरू को देख रहे, नायरू। तो हमने नॉर्मली लिया था, हमें बहुत रीजनेबल रेट में मिल गया था। ये आपका है वॉशरूम, नीट एंड क्लीन, काफ़ी अच्छा बढ़िया सा है, ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं था फैमिली के साथ। और वैसे भी भाई इतनी ज़्यादा बुकिंग चल रही थी ना कि अगर मिल ही नहीं रहता होटल तो भाई। ये आपका कुछ ऐसा रूम है, किंग बेड साइड, या नायरा वायरा नायरा को और आप एक यहाँ सुला देंगे, है ना, आप नीचे सो जाना।
क्लैपिंग कर रहे हो। चलो पिजन कहाँ है? पिजन दिखो। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। अभी इस टाइम पे हम लोग कुकस से निकल चुके हैं, तो कुकस से निकल के अभी जा रहे हैं अपने एलिफेंट राइड करने, क्योंकि आप को एलिफेंट राइड करना था। तो ये देखिए एलिफेंट, क्योंकि यहाँ पर हाथी गाँव भी पड़ता है पास में है, अगर आप वहाँ जाओगे तो ये देखो एलिफेंट। तो अभी हम इस पर भी बैठेंगे एलिफेंट पर, और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बारिश भी बहुत तेज हुई है अभी, तो यार चप्पल ही पहन के निकला हूँ, मुझे पता है कि भाई बारिश होना है। हाँ जी, कौन बैठेगा एलिफेंट में मेरे साथ? चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो कौन सा है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, क्या नाम है? ओह दिलरुबा लक्ष्मी। ओह दिलरुबा लक्ष्मी, वाह। देखते देख चल रुबा। ओह भाई मेरे को अजी। चलो कौन बैठेगा? चलो बताओ भैया, फाइनल बता दो। अच्छा तो फिर बच्चे को बिठा दो, वो तो गोदी में उठा के दे देगा ना, तो बिठा उसको। हाँ ये क्योंकि बहुत छोटी है ना, जा देखो छूचू कर ले। टच करो, चलो आ जाओ आ जाओ। हाँ चलो फोटो खींच लो। सो आभ्या और नायरा चले गए हैं एलिफेंट पे राइड करते हुए, मेरी आभ्या और पीछे रही नायरा। मैंने कैसे पकड़ रखा उसको? ऐसे दिखा रहे हैं। नहीं जा 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 तुम जा। रो रही होगी। चलो भाई गाइस अभी तो गई है, कौन सा रेट नंबर हो रहा है अभी, नायरा और आपे गई है घूमने। आ जाओ इधर आ जाओ, आ जाएंगे भैया लेके आ जाएंगे, आ जाएंगे भाई। टेंशन होती है ना थोड़े, बच्चे बच्चे रोते हैं तो ऐसा लगता है, एंजॉय तो कर रहे लेकिन रो रहे। चलो देखो आगे बच्चे एंजॉय कर रही है आप या तो। मजा आ रहा अबू? आप या ऐसे करो, ऐसे ऐसे नायू नायू तो पूरी खड़ी हो जाए, खड़ा कर दिया भैया ने। है नायू रिद्धि बना रही है। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं आमेर फोर्ट की तरफ, और देखते हैं क्या करेंगे। आमेर फोर्ट तो जा नहीं सकते अभी, क्योंकि क्या है ना आमेर फोर्ट अभी इस टाइम पे बंद रहता है ना अबू, और आपको तो एलिफेंट पे बैठ लिया, और अभी किस पे बैठना है अबू आपको? अभी कैमल पे बैठना है, और गधे पे बैठना है। नहीं 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 बैठे कि गधे बैठे कि नहीं है, है ना रे? काऊ पे बैठोगे? काऊ जी आज ही होती है, तो मोस्ट बैठेंगे कैमल पे बैठेंगे। अभी हम कुछ हेलीकॉप्टर पे बैठेंगे। चलो देखो वो रहा आमेर फोर्ट सामने है ना, और भाई मौसम भी तगड़ा हो रखा है, वैसे शाम हो गया अब तो अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। चलो भाई देखते हैं आगे मिलते हैं भाई, है ना। एलिफेंट है ये देखो, ये देखो पता है ये आपको क्या है,
को क्या बोलते हैं उसको? फोर्ट नहीं, कौन सा महल है? आमेर। ये है आमेर का किला। अबू आमेर का किला, ये आमेर, आमेर का किला, ये आमेर और आमेर पैलेस, आमेर पैलेस। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर है नदी भी है, एक बड़ा सा पॉन्ड है। आमेर फोर्ट देख रहे हो, सब के सब बैठे हुए। आमेर ये देखो नदी है, नदी ये देखो, अरे सूखा हुआ नदी ये तो नदी सूख गया नहीं, आपको हंसी क्यों आती है? क्यों रो रहे हो? अब यार गलत बात है ना, सुनी चिल्लाते ना। अभी 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 चलेंगे, अभी देखो आप भी बेचारी परेशान हो रही है, बोल रही है मुझे ऊंट पे बैठना है ना, कैमल पे बैठना है ना। कैमल को हिंदी में क्या कहते हैं आप भैया? कैम्बल थोड़ी कहते हैं कैमल को, कैम्बल कहते हैं, ऊंट कहते हैं, ऊंट 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 ऊंट। हाँ देखो कितने सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं ना, ऑरेंज ऑरेंज कलर के। कैमल पे नहीं बिठाना इसको, कैमल पे उठाना है ना मम्मा? रुको ना रुको, अभी देखो क्या आएगा ना सामने, देखो। उच्छ, उच्छ। आज आज पूल पूल में कितना मजा आया ना अबू, हमने पूल में बहुत एंजॉय किया ना अबू, मजा आया तो नहीं आया तो पहले ये बताओ। अबे के ड्रेस देखो कितनी प्रिटी है, अबे के हेयर स्टाइल देखो कितना प्रिटी है, दिखा ना। ये देखो कैसा है, वो देखो गेट आ गया, गेट आ गया सामने। अभी अभी आएगा अब आपका कैमल आएगा यहाँ पर, इसके आगे अभी फिर हम कैमल्स पे बैठेंगे, ठीक है? जय कर रहे हो आप, नायरा कर रही है, आप भी जय करो। और ये देखो सामने है जयपुर सिटी है ना, वाह उधर देखो जयपुर सिटी, ये पूरा आमेर फोर्ट है। पता नहीं कैसे होता है, आ जाओ। ए रिद्धि ऊपर डांस कर रही है सड़क पे खड़े होके, चलो 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 आ जाओ। अली तो आए, आप भैया की सेकंड रिक्वेस्ट जो कि कैमल पे बैठना था, तो आ चुके हैं हम लोग कैमल पे बैठने के लिए। हाँ भैया आ जाओ कैमल, मैं तो हमको दो दे। आ जाओ आप यहाँ कैमल पे बैठे, पर कैमल वाला कहाँ गया? कैमल वाला तो है ही नहीं भैया। तो कैमल राइड के लिए मैं और आप यहाँ जा रहे हैं अभी, और आप यहाँ आ जाओ आप यहाँ। चलो 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 जाओ कैमल राइड, चलो आ जाओ, चढ़ो चलो ऊपर चढ़ो। हाँ रुको, इधर ही खड़े रहना है ना, ले रहा हूँ ले रहा हूँ ले रहा हूँ, पर इसको कैसे पकड़ूंगा? आगे वाले तो आप बैठे रहेगी ना, तो देखता हूँ। लो
मैं पकड़ के रखा, गिर ना जाओ ठीक है। नायरू और आबू और मैं, नायरू देखो इधर, आबू देखो इधर, ये तो भाई अभी कर रहे हैं कैमल राइडिंग। वो भी ये कौन सी जगह आती है भैया, क्या कहते हैं इस जगह को, इस जगह क्या, जल महल वाला जगह, जल महल जल महल। और ये रहा आपका जल महल, यहाँ से आपको दिख जाएगा जल महल। चलो भाई रखते हैं, नहीं तो भाई गिर गिर जाएंगे ना, इसलिए भाई रख लेते हैं अभी फोन वोन, देखते हैं मजे लेते हैं, क्योंकि ट्राइडेंट तक जाएंगे, ट्राइडेंट से वापस आ जाएंगे। काट ही ऐसी कर रहा है, मुंह मार रहा है। तो आप भी और नायरा आप तीसरी हॉर्स मतलब कि तीसरी राइड पे चलो बाय, चलो गोलगप्पे खा लो, जब तक बच्चे फ्री हो गए गोलगप्पे खा लो तुम फटाफट, है ना, देख रहे हो क्या आइडिया है, घोड़े पे भेजो और गोलगप्पे खाओ फिर बाय। चलो बस, चलो भाई गोलगप्पे खाओ जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चैनल वंस अगेन। अभी हम लोग ने दूसरा दिन हो गया था, कल हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वेकफास्ट या लंच किया, डिनर लिया, सब कुछ करें, अब सो गए थे, रेस्ट किया था। अभी तो अभी इस टाइम पे जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे फिर नहाएंगे धोएंगे और फिर निकलेंगे मार्केट के लिए जयपुर। कौन सा मार्केट जाना है, हैं बापू बाजार, तो फिर चलो लिफ्ट, चाबी तुम्हारे पास है ना, मेरे पास है, तो लिखवा लिया था कल रूम लंच डिनर के बाद, पूछा नहीं लगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग नाश्ता वास्ता करके फ्री हो चुके हैं और फ्री होने के बाद अभी देख रहे हो कितना चिल्लम चिल्ली मच रही है प्ले एरिया के अंदर। ओ इतना प्ले एरिया में क्या कर रहे दोनों, आबू ABCD कहाँ लिखा है बताना, ये देखो यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ देखो देखो आबू, ये देखो वहाँ लिखा ABCD, पढ़ के बताना आबू ये, अरे बाहर ही चली गई नायरू, हेलो बोला, हेलो अभी अभी हेलो बोलो, देखो बोल रही हेलो बोलने के लिए, ये कैसे बाल खुला करके अजीब सा चुड़ैल से बनी हुई है। नाश्ता हो गया, अभी देखते हैं क्या करना है। हाँ सो गाइस अभी हम लोग दोपहर के बज चुके हैं, 1:30-12:30 बज चुका है, तो अभी निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से, जाएंगे पहले आमेर, देखते हैं आमेर का किला जाते हैं, क्योंकि बाहर धूप अभी ज़्यादा सनी साइड हो गया है और बाकी मौसम देख रहे हो आप लोग, है ना, पूरा मौसम ही बढ़िया सा हो रहा है। बाकी ये कि अभी निकलते हैं यहाँ से और फिर मिलते हैं आप लोग को, देखते हैं मार्केट एरिया साइड एक्सप्लोर करेंगे या नहीं करेंगे ये भी देखना होगा। अभी ड्रोन शॉट्स के लिए मैंने पूछा था प्रॉपर्टी से, क्योंकि पहले पूछ लेना ज़रूरी होता है ना, तो मैंने पूछ लिया था तो अलाउड तो मना ही कर रहे हैं, लेकिन देखता हूँ कि बाहर से अगर कहीं से ले पाया दूर से तो वो शॉट लेके मैं फिर आपको दिखाऊंगा। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं जयपुर सिटी के अंदर और देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, मार्केट वार्केटिंग करेंगे। नायरा तो सो गई है और ये रहा आपका हवा महल, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ से दिखा देता हूँ अच्छे से, तो दिख जाए तो अंदर वैसे कुछ है नहीं, बस हवा महल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जितने भी होते बहुत सारी खिड़कियाँ बनी हुई हैं पास हवा आने जाने के लिए, तो इसलिए इसको कहते हैं हवा महल और बहुत टाइम से बना हुआ है, ये ठंडक बनी रहती है इन खिड़कियों के चक्कर में, ये हवा आर पार जाता रहता है ना, तो इसलिए इसको हवा महल कहते हैं। बाकी ये चौक आ गया, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, ये चौक गोल चक्कर हो गया, पिछली बार रिद्धि आई थी तो यहाँ पर गीली हो गई थी, है ना रिद्धि, वो पानी स्प्रे वाला जो रोड साफ करता है उसने क्या कहता ना कि एकदम से फवारा जैसा होता है रिद्धि, हम लोग ऑटो पर जैसे ये वाला है ना रिक्शा ऑटो इस पर थे, है ना, तो उस पर बैठे थे रोड साफ कर रहा था, ठंडक के लिए कर रहा था, रोड साफ कर रहा था, अच्छा तो तुमने सोचा नहा लेती हो,
मैं पीछे पीछे कहा आया, मैं तो रोक रहा था, तुम ही चिल्ला रही थी, गाली देने लगे थे उसको। हैं ड्रेस पहनी थी, रेडी होकर गए थे। और यहाँ पर मंदिर है ये अपना मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण जी का, लक्ष्मी नारायण जी का इधर साइड मंदिर पड़ता है, जो जयपुर वाले होंगे उनको पता होगा। बाकी हम जा रहे हैं, सीधा निकलेंगे, है ना, बाकी मार्केट एरिया पे घुसे। कौन सी जगह एक्सप्लोर कर पाते हैं, चलो भाई ऐसे कहीं गाड़ी लगाएंगे, है ना, एक्सप्लोर करते हैं। चलो मिलते हैं गाइस, थोड़ा सा लेजी सा आज दिन हो रहा है थोड़ा, क्योंकि बारिश हुई, बारिश के बाद धूप निकल गई एकदम से और उमस ज़्यादा हो गया ना एकदम से, उसके बाद आपको पता क्या होता है, उमस निकलता है नहीं, पसीने, लेजीनेस, वो चीज़ आ गई। तो बाकी देखते हैं अभी क्या करते हैं, है ना, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। पपेट शो भी होगा, हाँ पपेट शो भी होना है, जाओ डांस करो, जाओ अब अबे अबे डांस करोगे, जाओ जाओ रिद्धि जाओ, कठपुतली शो ऑन हो जाएगा, है ना अबू, कठपुतली होगा ना, क्या ये सब कठपुतली है, क्या बोलते हैं इनको, पपेट है ना, नायरा पपेट शो है ना, डांस करके मजा आया नायरू, हाँ गुड़िया भी डांस करेगी, अभी देखना कितने अच्छे से डांस करेगी, तभी तो मैं बोलता आप भी डांस करो, मुझे भी नहीं पता क्रिश, हम आपको 1500 रुपए का पॉकेट फ्री करेंगे, आपको नाम बताओ क्या है, शक्ल तो दिखे मेरे, क्या है ये, कौन सा हीरो है, पता नहीं पता नहीं, हार गए 1500 रुपए। ये हमारे यहाँ के मशहूर, मैं कहता रहा था क्रिश, मैं कहता रहा था क्रिश, सही कहा था मैंने क्रिश, हाँ हाँ, ये क्या है 1500 रुपए, देखो आपू नहीं रुक गले, तो
डांस करो। So, भाई लोगों ज़्यादा expectations मत रखना इस vlog से भाई, क्योंकि ये ना थोड़ा सा informative नहीं होने वाला, ये मेरा family vlog होने वाला, घूमने फिरने वाला, तो बस normal तरीके से vlog shoot कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा shoot कर भी नहीं रहे, family time ज़्यादा बिता रहे हैं, है ना अबू? और आए हुए जयपुर मस्त relax कर रहे हैं, और नायरा कहाँ गई? नायरा ये देखिए, ये भाई साहब ने भी, मैडम ने पपेट पे ज़्यादा डांस किया, और आबे ने नहीं किया। आबे कहाँ गई? आबे किधर गई? अरे वहाँ चले गया, जाओ 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 जाओ। तो भाई यही है कि भाई अभी ये वाला जो ब्लॉग होने वाला हमारे पास फैमिली ब्लॉग होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इंटरेस्टिंग इसमें, आपको इंटरेस्टिंग नहीं भी लगेगा, अगर आपको इंजॉय कर रहे हैं हमारी ब्लॉग देख के, आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो ज़रूर कर ही दीजिएगा, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत ब्लॉग ऐसे भी होना चाहिए ना अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो बस कोई ब्लॉग शूट कर रहे हैं, क्या हुआ कितने देर के आ रहे हो? हाँ हाँ दे दे, चलो पॉपेट शो वाले को भी कुछ पैसे दे देते, क्योंकि भाई वो भी बड़ी उम्मीद से आए थे, और उनका जो कल्चर है ना, मैं ये भी बोलना चाहूँगा, थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा कि पॉपेट शो जो पहले कभी हुआ करता था, कि गली कुच्चे में लोग आते थे, पॉपेट शो दिखाते थे, और हम बचपन में मैंने भी, मतलब मैं राजस्थान से बिलोंग नहीं करता, मैं गुजरात में मुझसे जाऊँ, तो वहाँ भी पॉपेट शो होता था, एनिमल्स को लेके आते थे, हॉर्स राइडिंग होता था, एलिफेंट्स को लेके आते थे, तो काफ़ी ये चीज़ें होती थी जिससे अर्निंग थी। अभी क्या ना कि डेवलपमेंट हो गया है, तो डेवलपमेंट के नाम पे क्या होता है ना कि आप हर जगह एनिमल्स को रस्ते पे लेके जा नहीं सकते, दैट इज़ टू डेंजरस ऑल्सो, लेकिन क्या करें, वो जो पहले का ज़माना था, जो 90s के बंदे, जो हमारे टाइम के बंदे जो देख रहे हैं ब्लॉग, उनको पता होगा ये चीज़ कि उस टाइम पे हमारे पास कितने ऑप्शंस थे मोबाइल के अलावा इंटरटेन करने के लिए। तो आजकल तो भैया मोबाइल एक इंटरटेनमेंट का जरिया रह गया है, और क्या कह सकते हैं इसके ऊपर, है ना भाई? तो बस चल रहा है जो जैसा चल रहा है, जो अपग्रेडेशन हो चुका है वो हो चुका है, अब लोग पहले उससे पपेट से कमाते थे, अब लोग मोबाइल से कमाते हैं, है ना, समझने वाले तो समझ ही गए। तो भाई हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं भाई कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है। बाकी तो यही है कि भाई हमारी बेटियां दोनों खुशी है, राजी खुशी है, इंजॉय कर रहे हैं दोनों आके, और खूब मजे कर रहे हैं ना, अब यार मज़ा आ रहा है ना, है ना? बोल दो हाय, बोलो सब, हेलो बोलो, हेलो बोलो, इधर इधर देख के, इधर देख के, हेलो हेलो बोलो नायरू, किसको बुला रहे हो? चलो तो बस यार इसी व्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं, एक ही व्लॉग बनाऊंगा मैं, इसमें कोई एपिसोड्स बनने वाले नहीं है, आने का तो बना नहीं था, क्योंकि भाई यही था कि रिद्धि का ऑफिस फ्राइडे को नाइट को ख़त्म होता 4 बजे, यानी सैटरडे सुबह 4 बजे ये आई थी और हम लोग ऐसे ही निकल गए थे, तो बस ये था, रैंडम प्लान बन गया था, कोई वो था नहीं कि प्लान आउट था कि हमें आना ही है, तो रैंडम प्लान बन गया था, तो अभी आ गए यहाँ पर, तो बस फैमिली टाइम दे रहे, एंजॉय कर रहे हैं, ब्लॉग पसंद आ रहा हो तुम्हारा कह रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मैं ये देख रहा हूँ भाई अब तो 49-50 से 69% लोग की बंदे जो है ना अनसब्सक्राइब, लोग वो लोग देखते हैं वीडियो भाई लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ यार इतना रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दो, ठीक है गाइस? और ये देखो मैडम जी क्या कर रही है, चलो मिलते हैं गाइस, कुछ और इंटरेस्टिंग कुछ दिखता है तो, है ना? बाकी ये जो होटल है डबल ट्री बाई हिल्टन, मस्त स्टे एरिया यहाँ पर, जो अगर आप आते हो तो जयपुर के पास। हाँ क्या हुआ बेटा? ये मैं लगा देता हूँ, अभी लगा देता हूँ मैं, है ना, मैं अभी लगा देता हूँ उसको, जोड़ देते डैडी, है ना? तो क्या हो गया था ना, ये मस्त स्टे एरिया है आपका डबल ट्री बाई हिल्टन, मैं इनको भी टैग कर दूंगा, बहुत ही बढ़िया, हॉस्पिटैलिटी भी बहुत बढ़िया, एक नंबर है, खाना पीना तो है ही एक नंबर। बाकी अगर आप फैमिली के साथ आते हो इन्जॉय करोगे, कूकस पड़ता है जयपुर से 20 किलोमीटर्स पीछे पड़ता है, लेकिन मतलब ये मस्त एरिया है आपको, और मस्त विजिट जगह भी है, तो आप आइए कूकस के पास, आप है ना, बहुत सारी जगहें भी है, जैसे एलिफेंट वाला जगह है, जो आप कहते हैं एलिफेंट विलेज है, जो हाथी गांव कहते हैं वो है, ठीक है? चलो भाई, बाकी इन्फॉर्मेशन इतना ही था, तो निकलते, इतना ही इन्फॉर्मेशन था यहाँ का,
ठीक है ना भाई, इसको मजा आ रहा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। क्या बोलो? नहीं नहीं यहाँ अलाउड नहीं होगा ना। क्या बोले, ले आ सकते हो खाना? खाना खिला सकते हो? वाह बहुत बढ़िया, हमको तो लगा था गंदा उंदा ना हो जाने से। वहीं बैठ के खा लेंगे ना। हाँ तो ले लो पराठा वराठा कुछ लेके खिलाना खिला दो। राइस खाना है आपको? जुकाम हो रहा है ना, देख लो। ले आओ ले आओ, दाल चावल ले आओ, कुछ चाइनीज सब कुछ ले। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चैनल वंस अगेन। आज हम लोग निकलने वाले हैं जयपुर से, और ये अभिया यहाँ पर पता नहीं क्यों क्या 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 कर रही है। क्या बनाऊंगा, अभी तो बनाया मैंने स्नैपचैट, इतना सारा है तो स्नैपचैट से पागल हो गई है। स्नैपचैट स्नैपचैट क्या है स्नैपचैट? अच्छा बारहवीं वाला गाना आ रहा है, बना तो बना तो। और यहाँ से व्यू है सामने लीला पैलेस है, ऊपर अपना भाई। अब मुझे ब्लॉग तो बनाने दो। चलो तो भाई सब धूप भी बहुत कैडा वाला धूप आ रहा है भाई साहब, कर रहा बजारा बजारा बजारा। अब फिर पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? चलो बजारा बजारा। ये हमारी खली आ रही है, खली देखना दिखाना अब। छोटी खली नायरो आप क्यों हंस रहे हैं? छोटी गाय क्या बोला आपने? छोटी गाय अरे बाप रे बाप, बाहर धूप कितना है। चलो नहीं हो कैसे लगती दीदी? कैसे नायरू कैसे करे दीदी? अब यार मजा आ गया नहीं नहीं करके स्विमिंग में? और नायरू आपको मजा आया? इसके अंदर नहीं, इसके अंदर जाना है यहाँ। ये देखो ये रहा हाथी गांव। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हाथी गांव, ये लिखा हुआ है ना आपका हाथी गांव फार्म। यहां पर हमें हाथी मिलेंगे यहां पर। ये देखिए उनका मैप वैप सा कुछ लगा हुआ है, ये दिखा रहा हूँ थोड़ा सा क्लोज ऑन करके। यहां पर आपको दिख जाएगा कितना बड़ा है ये आपका हाथी गांव है। और यहां से जाएंगे हम हाथी गांव एक बार अच्छे। ये आपका हाथी गांव है, यहां पहले टिकट कटेगी और टिकट कटवा के फिर निकलते हैं आगे, है ना। चलो कैश पड़ा हुआ तुम्हारे पास? अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, तो अभी इस टाइम पे निकाल दो कैश, वैश निकाल दो। हाँ जी हम दो मेंबर हैं, दो बच्चे, दो मेंबर हैं। 215 रुपये तो गाइस 215 रुपये लगता है यहाँ पर्ची कटता है। एंट्री फीस है ना 215 किस हिसाब से लगे? यानी 108 रुपये। अच्छा अच्छा चेंज है या फोन पे कर दूँ, पेटीएम कर दूँ, वैसे कर देता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ तो 200 गोमती फर्स्ट वाला है। नायरू नायरू एलिफेंट कहाँ है? अबे एलिफेंट इधर आओ, पास में आओ। गाइस अभी इस टाइम पे हम लोग आ चुके हैं हाथी गांव में। यहाँ जो रेट होता है ना वो आपका नेगोशिएट करना पड़ता है, यानी 2500 से लेके 1800 का पर हेड होता है। जितना आपकी एक्टिविटी होती है उसके हिसाब से आपका होता है रेट। तो आप अगर आप यहाँ पर आते हो और आप एक्टिविटीज़ करते हो तो आपको पड़ेगा 2500 या 1800 रुपये। अगर आप पूरा एक्टिविटी करते हो जिसमें
एलिफेंट की बाथिंग होती है, कलर पेंटिंग ये सब इंक्लूड होता है, तो आपको 2500 के अराउंड पड़ता है। अगर 1800 रुपये देते हो तो उसके अंदर बस आपका जो नहाने का होता है वो हट जाएगा, बाकी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत छोटा मोटा राइड होगा और पेंटिंग वेंटिंग और प्ले एरिया और पेट करना है अपना, है ना। ये देखो, तो जैसे कि ये देखो, और भैया अपने कर रहे हैं। भैया आप करोगे, साथ में चलोगे या ये चलेंगे? ये भैया रहेंगे, हम इधर रहेंगे, आपको अच्छा करेंगे हाथी के बारे में बताएंगे क्या क्या होता है। जैसे हाथी को कब बना था ये अपना, जब कब 2002 के अंदर है ना, 2002 2007 के अंदर कंप्लीट हो गया था, 2010 के अंदर इसको चालू कर दिया। 2010 से मेरे को याद है, 2011-12 में आया था तब यहाँ पर, है ना, तब यानी खुला खुला ही था, यानी इतना कुछ बना भी नहीं था। कितने एकड़ में बना हुआ है? 130 एकड़ में। अच्छा, तो बेसिकली हाथी के लिए किसने बनवाया है ये? बनवाया किसने, यानी मिलके सबने मिलके? तो अपने जो शुरू से जो फैमिली चला रही थी, और कितनी कितने कितने फैमिली मेंबर्स यहाँ रहते हैं, कितने? 108। तो वो अपनी, तो अपने कुलबे के ही सारे लोग यहाँ रहते हैं, हाथी वाले जो पालते हैं जो वही रहते हैं सारे, है ना। अदर कोई अलाउड नहीं है ना। लेकिन अभी जैसे कि बाहर देखा मैंने कि कई जगह पे फार्म हाउसेस पे शुरू कर दिया उन्होंने, है ना, इधर जो स्टार्टिंग में जो पड़ता है ना, हाँ, तो वो अपना कर रहे हैं। लेकिन वो भी वो आप लोग की कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर अलग है वो? और क्या क्या आप लोग का क्या कास्ट होता है, यानी क्या होता है? महोत कहते हैं आप लोग, महोत। महोत तो जैसे कि मैंने बताया बहुत फैमिली होती है, तो 108 फैमिली मेंबर्स ये हाथी गांव के अंदर रहते हैं। तो गवर्नमेंट और इन लोग की ही कोशिश के कारण, क्योंकि बहुत सारे लोग डर रहे हैं, तो उनके ही क्या बोलते हैं कोशिशों के कारण ये हाथी गांव बनाया गया। यहाँ पर हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, और यहाँ रहते हैं लोग, यहाँ पर अपना पालन पोषण करते हैं, सेवा करते हैं हाथी की, और काफ़ी तरीके से अच्छे तरीके से रहते हैं। काफ़ी बड़े एकड़ में ये फैला हुआ है, ये देखिए। और इसका नाम क्या है? जमुना। जमुना, देखो उसने नेल पेंट भी लगा रखा है अभी। जमुना ले, ले आ ले, देखो ले, देखो नहीं, ये और भी एलिफेंट है देखो, अच्छा। ओ भाई क्या आ गए, ओके भाई मजा आ रहा है मेरे को अब मजा आ रहा है, देख रहे हो? वाह मजा आ गया अबू, देखो क्या नाम है इसका, जमुना, बोलो जमुना। नमस्ते, नमस्ते कर रही है जमुना, आप भी करो नमस्ते, करो जय जय करो, पहले बैठ जा। अच्छा अच्छा, ले रहे भैया, ले रहे गली पा दे इसको, अबो मजा आ रहा आपको भैया के साथ है? और आप्या को ऊपर जाना है, नायरा को ऊपर जाना है, आप ऊपर बैठी हुई हमारा भी बना दो, ये रहा वीडियो बन रहा है, बना दो बस। अरे क्या नाम है इसका? जमुना। देखो इधर जमुना, देखो चल रहा है,
जमुना भाई लोगो नमस्ते कर रही है मैडम इधर देखो भाई इसी बात पे कमेंट एंड सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर बनता है भाई जमुना के ऊपर है ना जमुना प्यारी जमुना लो लो पकड़ो तुम जमुना की एज ये लो अरे जमुना अरे उसको अच्छा चारा चाहिए ओ नहीं बैठने दो उसको बैठने का मजा आ रहा है ये लो जमुना काले जमुना काले 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 यम्मी लग रहा है अपनी ब्रेड जैम खिला रहे हो ना आप उसे यम्मी लग रहा है तो जमुना नहीं खाना अभी रहने दो वो नीचे रख रही है तेरी मुंह में नहीं जा रहा मक्खी उड़ा रही है अभी है ना ये लो अभी बन रहा है लो तीन सौ पच्चीस किलो मैं क्या बात कर रहे हो यार भैया बोल रहे हैं मेरा 350 किलो होगा अकेले इतना मोटा हो गया ना अच्छा मेरा इंदा दीदी देख लो तुम्हें भी कह रहे हैं भैया मोटे हो गए तुम 100 104 तो मेरा है ही बस इसका भी होगा 150 किलो तो होगा एज रिवील तुम्हारा वेट रिवील हो गया दुनिया के सामने भैया ने तुम्हारा ना वेट रिवील करवा दिया सबके सामने जमुना चलो नया खिलाओ तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स और वेलकम टू चैनल वंस अगेन अभी जो इस टाइम पे हम लोग है ना गुड़गांव से 60 किलोमीटर अवे हैं घर से पहुंचने वाले हैं 60 किलोमीटर है पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह से थोड़ा दूर आना पड़ गया और यहाँ हाईवे भी चल रही है तो भाई अभी इस टाइम पे ना आधे घंटे में हम लोग घर पहुंच जाएंगे बाकी ट्रिप हमारा बहुत ही ऑसम रहा फैमिली ट्रिप अगर आपको मज़ा आ रहा है ना देखने में तो भाई इन्जॉय कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना बाकी यही है कि भाई अभी इस टाइम पे हम लोग आधा एक घंटे का रास्ता ऑलमोस्ट रह गया है और पीछे जो नॉइज़ आ रही है ना उसके लिए प्लीज़ भाई माफ़ करिएगा क्योंकि भाई अभी उसको कुछ कर नहीं सकते है ना और तो गाना ही बज रहा है उसका भी कुछ नहीं कर सकते बाकी यही है कि अभी बिना थकावट वाला ट्रिप रहा है एकदम मौसम वाला ट्रिप रहा है मज़ेदार वाला ट्रिप रहा है तो बहुत ही मज़ा आ गया भाई मतलब कि कहते हैं ना एकदम एक नंबर मज़ा आ गया और यहाँ पर अभी इस टाइम पे रुके हैं प्रेम भोग में बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर जैसे कि ऊँट का राइड का है बच्चों का है जंपिंग के लिए है ट्रेन है टॉय ट्रेन है तो यही सब है कुल मिला के बस अभी यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं घर पर और मैं सोच रहा हूँ वीडियो को यहाँ एंड करूँ या घर पर चलो घर पर एंड करते भाई थोड़ा सा देर और है कुछ और कुछ चीज़ें मिल जाए दिख जाए है ना तो बस मिलते हैं भाई घर पहुँचते हैं।